हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। देखो यार, बहुत सारे लोगों को क्वेरी आ रही है इसमें कि भाई कैसा हो सकता है, ये क्या हो सकता है, आगे जाके क्या इसमें पॉजिटिव आउटकम है, क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो हालांकि मैं सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मैं आपको पहले एजुकेशनल पर्पज से आपको पूरा सिखा देता हूं कि कैसे रीड करते हैं, जिससे कि आप खुद ही सेल्फ रिलायंट सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ, किसी और पर डिपेंडेंट ना करो कि भाई खरीद ले बेच ले। इसलिए मैं आपको सब कुछ पढ़ना सिखाता हूं कैसे बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कैसे क्वार्टर फोर के रिजल्ट पढ़ते हैं, जिससे कि आप खुद ही डिसाइड कर सको कि क्या भाई मैसा मेरे को रतन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में करना चाहिए। आपको सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो तो कर दो, लेकिन आपको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, जिससे कि हर कंपनी के बारे में आपको आसानी से बता सकूँ। देखो यार, 13.8 पे इसका शेयर ट्रेड किया लास्ट दिन, 4.56 22 मई के दिन क्लोजिंग प्राइस था इसका, इतना परसेंट ये बढ़ गया था एक ही दिन में, ठीक है। अब आगे फ्यूचर एस्पेक्ट क्या हो सकता है, क्या ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है, क्या आपको बहुत जल्दी रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है तो ये सब चीज पता चलती है क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखने के बाद में, या फिर बैलेंस शीट देखने के बाद में, कि लॉन्ग टर्म में कितनी कंपनी अच्छा दे सकती है। तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड क्या कंपनी क्या है, ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है, जिसके पास में 2700 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट है अमरावती और नासिक में, ठीक है, और दोनों जगह पे 1350 1350 महाराष्ट्र में। तो ये कंपनी देखो पावर जनरेशन की सारी कंपनियों ने इस बार बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो डेफिनेटली ये भी देने वाली है। अब देखो आज कल जो है इसका 22 मई को रात को 7 बजे के आसपास इन्होंने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट आउट किए, इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं दोस्त, इतने बेहतरीन है कि कोई भी कंपनी के मेरे को इतना लंबा छलांग देखते हुए नहीं दिखा है, ठीक है। तो कितना 10,666 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुई है, 10,000, कैन यू इमेजिन दोस्त, 10,666 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुई है, ठीक है। तो अब इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, इसका रिजल्ट आपको आउटकम देखने को मिलेगा इसके शेयर प्राइस पे, बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आज के दिन ही आप देख लेना इसका कि शेयर प्राइस बहुत अच्छी से इंक्रीज होगा। ये मैं 22 मई को बना रहा हूं और 22 मई को 13.8 का इसका प्राइस चल रहा है, लेकिन आप देखोगे जैसे ही आप करंट में प्राइस देखने जाओगे तो आपको ज़्यादा ही दिखेगा, क्योंकि 10,666 करोड़ इसने अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाया। हालांकि एक नेगेटिव क्लो भी है, क्या उससे मार्केट रिएक्ट करेगा वो भी देखने वाली बात है। इसने अपना एसेट बेच दिया है, लास्ट टाइम 70,000 का एसेट था, इस बार इसके पास 7,000 का एसेट बचा हुआ है, तो लगभग 10,000 करोड़ का इसने अपनी संपत्ति बेची है, संपत्ति बेच के इसने अपना कर्जा निकाला है। तो कंपनी थोड़ा सा कर्जा निकलने की कोशिश कर रही है, चलो वो भी मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो देखो 2007 की ये कंपनी है, अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई साहब क्या होने वाला है इसमें, क्या चल रहा है कंपनी के बारे में। देखो प्रोज कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, कौनस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर हैज़ प्लेस्ड 88.6 ऑफ देयर होल्डिंग, अर्निंग इंक्लूडिंग इनकम 10,976 करोड़, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको ये सब चीज़ छोड़ो, मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ, देखो क्वार्टर फोर के बारे में मैं आपको पूरा ध्यान से दिखाता हूँ। देखो क्वार्टर फोर के रिजल्ट ये हैं, ये वाले, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ ये वाले। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सब करोड़ में, 206 करोड़ रुपए प्रॉफिट है 172 लास्ट ईयर में थी, लास्ट क्वार्टर में थी, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो भाई साहब यहाँ आता है सारा खेला जो हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, और अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ा है, बेहतरीन बढ़ा है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि भाई साहब इतना अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ सकता है एक बार में। देखो इसने नेट प्रॉफिट दिखाया, देखो सब कुछ मैं धीरे धीरे दिखाता हूँ आपको। लास्ट क्वार्टर्स में सब में ये नेगेटिव चल रही थी, सब में लॉस में जा रही थी, पहली बार कंपनी ने प्रॉफिट किया और इतना प्रॉफिट किया है कि भाई से सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, 10,000 प्रॉफिट। अब देखो आज इसका शेयर देख लेना आप क्या धुआं देने वाला है। देखो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अदर इनकम में इसकी 10,717 करोड़, अदर इनकम मैं आपकी पीडीएफ में जाके भी दिखा दूंगा, अभी यहां देख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, कितनी है 10,615 करोड़ रुपया, और टैक्स कितना देना पड़ा है इनको 0%, कोई टैक्स नहीं देना पड़ा इनको, और नेट प्रॉफिट कितनी है 10,616 करोड़ रुपये इनकी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 10,666 करोड़। अर्निंग पर शेयर पिछली बार -1.09 थी, इस बार 19.86 है एक शेयर पे इसकी अर्निंग, ठीक है। अब देखो इसकी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छी वाली चीज़ कि देखो इन्होंने लास्ट जो इनके क्वार्टर्स थे उसमें कितनी प्रॉफिट कर रहे थे और इस बार इन्होंने कितनी प्रॉफिट की है। देखो लास्ट क्वार्टर्स, बहुत पुराने क्वार्टर्स से बात करूं, इस क्वार्टर में इन्होंने 10,615 करोड़ की प्रॉफिट की है, पिछली बार -573 यानी कि घाटा, उससे पहले इतना घाटा, उससे पहले ये घाटा, सारा घाटा ही घाटा है, पहली बार कंपनी प्रॉफिट में आई और सबका बराबर कर लिया एक ही बार में, ठीक है।
अब ये सब चीज़ें अच्छी बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई साहब इन्होंने एसेट बेच के कहाँ पैसा लगाया है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, वो भी आप देख लो। पहले मैं इसकी पीडीएफ पे जाता हूँ, पीडीएफ आपको देखो इनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स डिपार्टमेंट में जाकर मिल जाता है। तो अगर आपको इनकी पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो या तो मैं अपने उस पर डाल दिया करूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम डाल दिया, जिससे कि यार पहले अपनी पढ़ने की आदत डालो, इनकी जो प्रॉफिट बैलेंस शीट है उसको, उसके बाद में आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं। चलो मैं आपको इनकी पीडीएफ दिखाता हूँ एक बार जाके। देखो दोस्त ये है इसकी रतन इंडिया पावर्स की ये पीडीएफ, कल 22 मई के दिन कल ये इन्होंने रिलीज़ किए, बिल्कुल सेम सब कुछ ये लिख चीज़ लिख रखी है यहाँ पे, ये देख लो, इसको पढ़ना भी देख लो, मैंने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखो इनका जो क्वार्टर है वो ये रहा, ये वाला क्वार्टर है, और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा वही सेम चीज़ है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,666 करोड़, लास्ट टाइम 586 करोड़ का इनको घाटा हुआ था। ब्रैकेट में लिखा होता है वो उसका मतलब होता है घाटे में, ठीक है। अगर ब्रैकेट में नहीं है तो वो घाटे में नहीं है, यहां पे इस वाली पीडीएफ में माइनस में नहीं लिखा होता कुछ भी चीज, ब्रैकेट लगा देते हैं उसके लिए, ठीक है। अब असेट की चीज दिखाता हूं, देखो इन्होंने असेट अपना बेचा है, यहां पे करंट असेट्स देखो, करंट असेट इनके पास है 6,6700 रुपए, और लास्ट टाइम था इनके पास 14,216। तो इन्होंने अपना असेट यहां पर नहीं आएगा, सॉरी करंट असेट ही है, टोटल असेट की बात यहां पर आएगी। पिछली बार था 17,371, इस बार है 9,565, यानी कि इन्होंने अपने असेट बेचे और अपनी लाइबिलिटीज कम करी हैं। देखो पिछली बार इनकी लाइबिलिटीज थी इतनी, अब इनकी कम हो गई हैं, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज वगैरह। तो करंट लाइबिलिटीज इनके पास 9,500 इतनी है और पिछली बार 17,000 थी। तो टोटल आपको समझ में आ गया भाई साहब इन्होंने अपना असेट बेच के कर्जा कम किया है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, लेकिन असेट थोड़ा कम किया, थोड़ी सी यही यहाँ पर नेगेटिव, थोड़ा सा मार्केट डाउन अगर हुआ तो। वैसे भाई प्रॉफिट इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ ये पीछे छोड़ जाएगी, सब चीज़, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट 10,000 करोड़, वो भी घाटे से भाई इतनी ज़्यादा, यानी कि 10,000 नहीं मान के चलो, इसे 11,000 करोड़ की प्रॉफिट दी है लास्ट टाइम के कंपेरिजन में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी बुल रन देने वाली है। मैं देखो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, मैं रिकमेंड करने वाला सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एजुकेशन पर्पज से आपको बताता हूँ ये, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर आपने टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंस्टाग्राम की भी लिंक है, वहां पर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, ठीक है।